हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, हाउ आर यू? वेलकम टू कल्याणी का अपना किचन। आज हम लंच के लिए हरे मटर की जो भिगो के बनाए जाते हैं उसकी सब्जी बनाने जा रहे हैं। तो आप मेरे चैनल को ज़रूर लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और अगर वेजिटेबल बनाने की तरीका अच्छा लगता है तो उसे लाइक करिए। चलिए देखते हैं अब हम ये सब्जी किस तरह बनाते हैं। सब्जी बनाने के लिए हमने ये एक प्रेशर कुकर ले लिया है। प्रेशर कुकर में अब मैं ये हरे मटर जो है धो के रखे हैं, छान के ये डाल रही हूँ। इसे हमें उबाल दे देंगे। उबाल देने से ये सॉफ्ट हो जाएंगे और बनाने में सुविधा होगी। तो पहले इसे हम बॉईल दे देते हैं। उसमें हम ये एक चम्मच नमक डाल रहे हैं। अब मैं इसे ढक्कन लगा देती हूँ और गैस को ऑन कर देती हूँ। ये जो है कुकर को मैं गैस पे प्लेस कर देती हूँ। तो थोड़ी देर वेट करते हैं इसमें प्रेशर आने तक। इसमें कम से कम 2 या 3 प्रेशर तो दूंगी, क्योंकि बाद में फिर इसे मसाले में ग्रेवी बना के बनाएंगे। जब तक इसकी ग्रेवी ये मटर में बॉईल आता है तब तक हम इसकी ग्रेवी का कुछ सामान रेडी करते हैं। ये मैंने 2 हरी मिर्ची ली है, ये 1 इंच टुकड़े को छोटा छोटा काट लिए, टमाटर के 4 टुकड़े कर लेते हैं। अब हम इन सबको मिक्सी के जार में डाल के पीस लेंगे। तो ये है मिक्सी का जार, ये इसमें लिया है मैंने सब कुछ एक साथ, हरी मिर्ची, अदरक और टमाटर। अब हम इसे पीस लेंगे। देखिए प्रेशर में कुकर में अब अच्छे से सीटी आ रही है। अब हम एटलीस्ट 4 प्रेशर देंगे इसको और उसके बाद इसे ठंडा करके इसकी ग्रेवी में सब्जी बनाएंगे। अच्छा, ग्रेवी बनाने के लिए हमने ये 2 प्याज छील के रखे हैं। इसे हम लंबा लंबा बारीक बारीक काट लेंगे। इससे हम इसकी फोड़ देंगे। और मैंने इसमें लहसुन का इस्तेमाल नहीं किया है, तो हम प्याज थोड़ी ज़्यादा डाल रही हूँ। मसाले भात में भी इस मटर का इस्तेमाल किया जाता है। जनरली शादियों में इस मटर का मसाला भात बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। पर मैं ड्राई सब्जी ग्रेवी वाली थोड़ी सी ड्राई ऐसे बना रही हूँ। अब ग्रेवी बनाने के लिए मैंने ये कढ़ाई लिया है। कढ़ाई को थोड़ी सी फुल आंच पे गरम कर देते हैं। इसमें जो है मैं सरसों के तेल में बना रही हूँ, तो मैं यहाँ पे सरसों का तेल का इस्तेमाल कर रही हूँ। ये करीब करीब 2 से 3 टीस्पून होगा। तेल थोड़ा कम ही डाला है। तेल को अब थोड़ा हीट होने देते हैं, क्योंकि ये सरसों का तेल है तो अच्छी तरह गर्म होना चाहिए, तभी इसमें हम प्याज डालेंगे, नहीं तो इसमें कच्चे तेल की खुशबू आने लगती है। और टमाटर, अदरक और 2 हरी मिर्ची को हमने पीस लिया है, और सूखे मसालों का थोड़ा इस्तेमाल करेंगे। और इसमें मैं एक सीक्रेट इंग्रेडिएंट डाल रही हूँ जिससे थोड़ा टेस्ट अलग सा लगे। तो अब हम प्याज डाल देते हैं तेल में। तो मैं जो है प्याज को आप इस तरह से बारीक बारीक तोड़ लीजिए।
डालने के पहले, तेल में डालने के पहले इसको इसे हम तेल में छोड़ दें, तेल अच्छी तरह एकदम गर्म हो गया। चला लेते हैं, थोड़ा इसे लाल होने लगे, जब थोड़ा सा गुलाबी हल्का गुलाबी लाल रंग आ जाएगा तो इसमें मसाले डालेंगे। तब तक हम ये धनिया पत्ती मैंने धो के रखी है, डंडी भी ली है थोड़ी सी, इसको हम काट लेते हैं। और भी सब्जी एक्चुअली धनिया पत्ते से ज़्यादा उसकी डंडी में खुशबू रहती है, तत्व जो होते हैं, जो भी विटामिन फाइबर जो भी होता है वो पत्ते से ज़्यादा धनिया की डंडी में होता है। तो मैं धनिया की डंडी का भी इस्तेमाल कर रही हूँ। ये हमने काट लिया है, डंडी को थोड़ा बारीक करके काटे और हम लास्ट में इसका इस्तेमाल करेंगे। इसे एक साइड में रख देते हैं, प्याज को थोड़ा और हिला लेते हैं। थोड़े और लाल होने चाहिए, तब तक हम कुकर को थोड़ा चेक कर लेते हैं कुकर की कंडीशन कैसी है। आई डोंट नो, अभी भी इसमें प्रेशर है तो इसे हम थोड़ी देर बाद ओपन करेंगे। यहाँ रख देती हूँ, मैंने ये थोड़ा सा पाव भाजी मसाला लिया है बनाने के लिए और ड्राई कोकोनट को थोड़ा सा सूखा सूखा मिक्सी में पीस लिया है। साथ ही मैं डाल रही हूँ ये जीरा, थोड़ा सा गरम मसाला और ये सूखे मसाले मैं यहाँ पे निकाल के रखे हुए हैं। ये देखिए प्याज थोड़े से रेडी हो गए, अच्छे हल्के ब्राउन हो रहे हैं। इसमें अब मैंने जो ये ग्राइंड करके रखा है मसाला इसको हम डालेंगे, अदरक हरी मिर्ची और टमाटर का। इसमें डाल दिया है, थोड़ा सा पानी भी डालेंगे ताकि इसमें जो भी मसाला चिपका हुआ है वो निकल जाए। पहले इसे चला लेते हैं अच्छे से, थोड़ा सा नमक भी डालेंगे। ऑलरेडी मैंने मटर को बॉईल करने में 1 टीस्पून नमक डाला है तो इसमें हम 1 से कम ही डालेंगे। तो मिला लेते हैं अच्छे से, अब हम जो है ये पानी को भी इसमें मिला देंगे। कवर कर देते हैं, टमाटर को थोड़ा कुक होने देते हैं ताकि तेल ऊपर आ जाए। अब हम इसमें ये सूखे मसाले डालेंगे जो मैंने यहाँ पे रेडी करके रखे हैं। इसे हम थोड़ा चेक कर लेते हैं, देखिए तेल जो है वो थोड़ा सा ऊपर आने लगा है। थोड़ा सा और इसे भूनते हैं, अब देखिए तेल जो है वो धीरे धीरे ऊपर आ रहा है। अब इसमें हम डाल देते हैं इस स्टेज पे, क्योंकि मैंने 2 हरी मिर्ची पीस के डाली है तो मैं थोड़ी लाल मिर्ची हम लोग कम ही खाते हैं तो मैं ये थोड़ी सी 1/2 चम्मच लाल मिर्च डाल रही हूँ, 1 चम्मच धनिया
एक चम्मच जीरा और थोड़ी सी हल्दी और एक चम्मच गरम मसाला और ये एक चम्मच के करीब पाव इतना मैं डाल रही हूँ। इसको अब हम मिक्स कर लेते हैं अच्छे तरीके से और पकने देते हैं। थोड़ा सा पानी में डाल देते हैं। गैस को थोड़ा सिम कर देते हैं। अब ये रेडी हो रहे हैं। तब तक हम थोड़ा प्रेशर कुकर की कंडीशन देखते हैं। अभी भी इसमें प्रेशर है, पूरा ठंडा नहीं हुआ है, थोड़ी देर बाद इसे खोलेंगे। चलिए ग्रेवी को देखते हैं। देखिए ग्रेवी में एकदम से बढ़िया से तेल ऊपर आ गया है और एकदम मसाला रेडी हो गया है। थोड़ी आंच बढ़ा देते हैं। अब हम कुकर को थोड़ा सा ओपन करते हैं। कुकर जो है अब जो है इन मटर को हम धीरे धीरे करके मसाले में डाल देते हैं। ये देखिए और इसी पानी का मैं इसमें इस्तेमाल करूँगी। तो इसको हम मिला लेते हैं। गैस को पूरा फुल कर दिया है। पानी को अभी तो जरूरत नहीं है ज़्यादा। हम जो है इसका नमक थोड़ा सा चेक करेंगे। एकदम सही है। थोड़ा सा मटर है जो भी ऐड कर देंगे और ये जो है ड्राई कोकोनट जो हमने पीस के रखा था उसे मिला देते हैं। थोड़ा सा इसमें थोड़ा सा अमचूर भी डालेंगे। ये थोड़ा सा अमचूर है डाल दिया है। इसको मिक्स कर लेते हैं। देखिए क्या बढ़िया सा लग रहा है। अब हम इसमें ऊपर से थोड़ा सा हरा धनिया डाल देंगे। मिक्स कर लेते हैं। ये जो है हमारे हरे मटर बनके रेडी है। इसको ऑफ कर दिया है। अब मैं आपको एक प्लेट में सर्व करके प्रेजेंट करती हूँ। ये जो है हमारे मटर एकदम राइस की तरह आप इनका इस्तेमाल कर सकते हैं या राइस के साथ भी इसे खा सकते हैं। और इसमें हम ये ऊपर से धनिया पत्ता स्प्रिंकल कर रहे हैं। तो ये हमारे हरे मटर इस तरह से एकदम रेडी है। आपको ये रेसिपी बनाने का तरीका अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है तो लाइक करें, शेयर करें और
यूट्यूब चैनल कल्याणी का अपना किचन, उसे ज़रूर देखें, सब्सक्राइब करिए। थैंक यू, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन बाय बाय।